एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जागृति मेकअवेयर। प्रेगनेंसी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हमारी जो स्लीपिंग पोजीशन होती है, यानी हमारे सोने का तरीका कैसा होना चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस साइड सोना चाहिए या उस साइड सोना चाहिए, ये सारा कुछ। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ जागृति, आप देख रहे हैं जागृति मेकअप वर्ल्ड। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, व्लॉग्स, DIYs, सारा कुछ मिलता है और ये इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, हमारे सोने के तरीके से हमारे बच्चे पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सही तरीके से सोते हैं या नहीं सोते हैं, अगर हम सही तरीके से सोते हैं तो जो ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन होता है, वो प्रॉपर हमारे बेबी तक पहुंचता है। और अगर हमारे सोने का तरीका गलत होता है, हम गलत तरीके से सोते हैं, तो उससे हमारे बच्चे को दिक्कत होती है, ब्लड सप्लाई नहीं अच्छे से मिलता, उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलता, साथ ही साथ इसके कारण आपके बेबी की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। तो क्या करें उसके लिए? सबसे पहले, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल स्ट्रेट सोने की आदत होती है, पीठ के बल सोने की आदत होती है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप मतलब रात भर इसी वे में सोचते ही रह जाइए कि मैं स्ट्रेट ना सो जाऊं या कहीं मेरी डायरेक्शन चेंज ना हो जाए और इस चक्कर में आप रात भर जगे ही रह जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपनी नींद पूरी करनी है। बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं जाने अनजाने आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो मैं सबसे पहले मैं आपको अपनी बात बता देती हूँ कि मुझे सोने की आदत है राइट साइड में। मैं हमेशा से राइट साइड में ही सोती हूँ और रात भर मुझे राइट साइड सोने की आदत है। लेकिन जो आपके बेबी के लिए सबसे बेहतर स्लीपिंग पोजीशन होती है, जिसमें आपके बेबी को बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई होता है, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलता है और उसको ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, उसके लिए आइडियल जो साइड माना गया है वो है लेफ्ट साइड। यानी कि अगर आप अपने लेफ्ट साइड में बाईं करवट लेकर के सोते हैं तो वो आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। और मुझे आदत थी राइट साइड सोने की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं रात भर लेफ्ट साइड सो जाऊँ, क्योंकि आदत तो शुरू से ही है। तो मैं क्या करती थी, मैं लेफ्ट साइड सोती थी 1 घंटे 1.5 घंटे, उसके बाद मैं स्लोली करवट लेके 5-10 मिनट के लिए राइट साइड टर्न हो जाती थी। सिमिलरली आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको स्ट्रेट सोने की आदत है तो आप 5-10 मिनट्स स्ट्रेट सो सकते हैं। बट आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लेफ्ट साइड ही सोइए, क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद है आपके बेबी के लिए। अगर आपको सोने में प्रॉब्लम होती है तो आप पिलो सपोर्ट ले सकते हैं। अभी तो प्रेगनेंसी पिलोज इतने ज़्यादा ट्रेंडी हो गए हैं, इतने ज़्यादा हेल्पफुल हो गए हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपको प्रेगनेंसी पिलोज मिल जाते हैं बहुत इजीली। मैंने नहीं परचेज किया था, मुझे उसकी नीड नहीं लगी थी, क्योंकि किसी एक पिलो से मेरा काम होने वाला नहीं था। मुझे लेफ्ट साइड भी चाहिए था, राइट साइड भी चाहिए था, मुझे फुट के नीचे भी चाहिए, सर के नीचे भी चाहिए, तो मुझे कई सारे पिलो सपोर्ट चाहिए होते थे। तो मैं एक्स्ट्रा 4-5 पिलो लेती थी। और आप जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा पिलो रखेंगे आपको उतना ही अच्छी नींद आएगी, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। बट स्टिल अगर आप चाहें तो आप प्रेगनेंसी पिलो ज़रूर परचेज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और हाँ, कई लोगों को पेट के बल सोने की आदत होती है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए पेट के बल सोने से, क्योंकि आप अपने वॉम्ब में बेबी को कैरी कर रही हैं और अगर आप पेट के बल सोती हैं तो उसको दिक्कत हो सकती है या फिर आप खुद को भी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा पेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि आप लेफ्ट साइड ही सोइए और बीच बीच में आप डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। ओके, तो अभी आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम किस तरीके से सोए, किस तरीके से ना सोए। आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आज तक लेफ्ट साइड सोने की, जिससे कि आपको बेबी को ब्लड सप्लाई अच्छे से मिले, ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड हो और वो अच्छे से ग्रोथ करता रहे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ एक नया वीडियो में, नए ट्यूटोरियल के साथ। अब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, बी सेफ, बाय बाय।